ऐसी नालायक औलाद देश में पैदा होगी जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी घरवाली का नहीं हुआ, वो देश की जनता का हो जाएगा? देश के तो हैं वो प्रधानमंत्री, सबसे नालायक, सबसे बेकार, सबसे झूठा, सबसे बड़ा झांसाराम देश का प्रधानमंत्री साबित होगा। किसान ने भी अपना स्टैंड वर्क क्लियर कर दिया है कि कानून वापस ही होंगे। कहाँ क्लियर कर दिया किसान ने? कर नहीं दिया। बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और इससे ज्यादा क्या स्टैंड चाहिए आपको? ऐसी वापस हो जाओगे ऐसी लग रहा है, मैं तो है? ऐसी खाली वापस हो जाओगे अगर ऐसा लग रहा है। खाली हाथ तो किसान नहीं जाएगा यहाँ से। क्यों? क्यों 18 में नहीं गए यहाँ से वापस? 18 बात छोड़ दीजिए, 18 में और 2021 में बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताइए? 18 की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी थे आज, 18 की लड़ाई छोटी थी और ये फांसी का फंदा है, और फांसी का फंदा गले में डाल के कोई किसान घर नहीं जाएगा। कहाँ फांसी का फंदा, डेढ़ गुना तो दे रहे हैं आपको। कौन सा दे रहा है डेढ़ गुना, पता कैसे दे रहे तू ही बता। रोज तो प्रधानमंत्री, अरे कहने में और करने में बहुत अंतर हो। कहने को तो मैं भी कह दूंगा कल को देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, बन जाऊंगा, बनाओगी तो जनता। मोदी जी कह तो जनता तो विश्वास कर ले, वोट भी दे दे। दे दी थी अब लो, अब ना दे, ना विश्वास कर रही। अगर मोदी पे विश्वास होता तो ये एक एक कम 80 दिन हो गए, जनता क्यों पड़ती भैया? अब विश्वास कम हो गया क्या मोदी जी? बिल्कुल खत्म। वो तो संसद में भी रो रहे हैं। कौन? मोदी जी। अरे वो तो झांसा दे रहा जनता को। हाँ भाई देखो, एक चीज देखो कि एक किसान नेता रोया तो किसानों में सैलाब आ गया, और देश का प्रधानमंत्री संसद में रोता है तो उत्तराखंड में मौत का सैलाब आ जाता है। तो प्राकृतिक घटना। कैसे प्राकृतिक हो जाएगी? क्यों? वो पहले भी तो आ सके थी, ये 2 दिन पहले भी तो रो सके था, या उसी दिन रोना जरूरी था? अच्छा जी, हाँ इसका कनेक्शन है कुछ ना कुछ। लेकिन अब जितने भी सवाल थे किसानों के 2.5 महीने से ज्यादा हो गए इस टाइम, वो सारे सवालों का जवाब दिए प्रधानमंत्री जी ने, एक भी सभा में भी और संसद में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों? प्रधानमंत्री ने बताया नहीं कि किसान की आय दुगनी कैसे होगी, वो फार्मूला नहीं बताया। बता तो रहे हैं। क्या ये कानून? कानून, अरे कानून से कोई, कानून से आय दुगनी होती है? कह रहे एक ऑप्शन दे रहे हैं, बेहतर ऑप्शन दे रहे हैं। बेहतर ऑप्शन नहीं चाहिए किसान को, और गर्मी में अगर कोट पहनाओगे तो बीमार हो जाओगे, और ये कानून गर्मी में कोट पहनाने जैसे भी है। आपको क्यों लग रहा है ऐसा गर्मी में कोट पहना रहे हैं भाई? और तुम्हें कैसे लग रहा है क्यों नहीं है? सरकार कह रही है कि कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, कभी कभी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। तो एक सख्त अच्छा एक सख्त कदम हमारे कहने से भी उठा दो, इस संसद को प्राइवेट में दे दो, इसे ना दे सकता। फिर किससे मांगोगे हैं? फिर किससे मांगोगे? आप तो कर भी रहे हो मांग। तो फिर एक काम करे, फिर हमारे क्यों फांसी दे रहा? कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो, वो भी नहीं दे। MSP पे गारंटी का कानून भी नहीं बना हुआ। MSP तो है, रहेगी, है, थी, था, ये तो चल ही रहा। अच्छा कैसे विश्वास करे? मोदी ने तो नू भी कही थी कि गैस पे सब्सिडी खत्म नहीं होगी, वो तो होगी। कहाँ खत्म हुई है? 4 रुपए तो मिलते रहे। 300 रुपए का सिलेंडर था जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री बना था, आज 750 का हो गया, 800 ले, 50 और बढ़ गए। बताओ, लेकिन कैसे विश्वास करें? प्रधानमंत्री जी ने ये बातें हवा में नहीं बोली, संसद में बोली है जहाँ रिकॉर्ड होती है सारी चीज। हाँ संसद में बोला है सब। प्रधानमंत्री जी ने तो संसद में ये भी कही थी, संसद के वहाँ सिर लगा कर संसद के उस पर पैडियो पे, के एक साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। अरे तो इनने तो और सारे अपराधी संसद में बुला लिए, तो कैसे विश्वास कर ले भाई इसका? तो नहीं गंगा की तरह साफ है। क्या सरकार और उनके फैसले सर गंगा की तरह पवित्र है? देखो अभी वाराणसी में गया था, वहाँ गंगा में तबला बजाते हुए और कहा कि गंगा की तरह पवित्र है, और उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि इसमें जो है नो क्लोज पे हम जो है वो कर देंगे संशोधन। तो जब वो सही है, तुम्हारी बिल्डिंग सही है, तुम्हारा मकान सही है, तो भाई उसमें तोड़फोड़ क्यों करे भाई? लेकिन आप ये बताइए नरेंद्र जी, किसानों के पास क्या रास्ता? सरकार तो अपनी तरफ से कह, किसानों के पास एक ही रास्ता है, आंदोलन।
और वो हम कर रहे हैं। आंदोलन तो कमजोर होता जा रहा है। आंदोलन कमजोर नहीं है, मजबूत होता जा रहा है। कैसे? पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। तो फिर सरकार पे क्यों नहीं असर पड़ रहा? अब ये सरकार से पूछो, पड़ेगा आज नहीं तो कल पड़ेगा। आंदोलन आप कर रहे हैं, पूछो सरकार से। हैं? आंदोलन तो आप कर रहे हैं। अरे इस देश का नियम ही बना दिया इस मोदी ने कि सरकार चलाओगे मोदी, सवाल करो विपक्ष से। इनने तो उल्टा चला दिया देश का कानून। अच्छा जी। हाँ भाई, अगर सरकार में तुम बैठे हो तो सवाल भी तो तुमसे ही होंगे या दूसरों से हो जाएंगे। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि इन्होंने ऐसा बना दिया। लेकिन कुछ लोग तो सराहना भी कर रहे हैं ना, समर्थन में भी है ना। कौन सा वो समर्थन में? हमें ना पता चला कौन है समर्थन में। मतलब देश में यही है 15-20 हजार किसान। अरे अब तुझे 15-20 दिखने लगे? 4 दिन पहले तू ही कह रहा था कि किसानों का जमघट लग गया। भाई थारा ही पता ना चलता। नू बताओ तो मैं कितने किसान चाहिए, मोदी से पूछ क्या हो? अगर खाप पंचायत करे नू का, इतनी बड़ी बड़ी खाप पंचायत क्यों कर दी भाई? है? हाँ, आपने खाप पंचायतों की बात करी, क्या इनसे क्या फायदा होगा? मतलब क्यों की जा रही है, क्या मकसद? देश में जागरण, जन जागरण अभियान है खाप पंचायत। और ये खाप पंचायत वे लोग वे हैं कि जब अंग्रेजों के जमाने में भी कहीं फैसला नहीं होता था तो खाप पंचायतें फैसला करती थी। तो जन जागरण से क्या होगा? जनता को इस बिलों के बारे में बताना, पता नहीं, जागरूक कराना जनता को। सरकार ने कौन सा इसका एडवर्टाइजमेंट करा भाई? क्यों, घर घर मंत्री जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किसके घरों गए थे? पाठशाला कर रहे हैं वो तो। भैया थारे घर गए? थारे घर गए भाई? तुम बताओ भाई, किसानों के किसके घर आए भाई मंत्री जी? किसी के नहीं आए। ये करने नहीं दे रहे आप लोग। कौन? आप लोग। हम नाम नहीं कर रहे, जनता मार रहेगी। हम क्यों मारेंगे भाई? जनता मारेगी, धोखा करा जनता के साथ। जनता मारेगी, जनता मारेगी। हिंसक हो गए? नहीं ऐसे थोड़े यार, कोई जान से थोड़ा ही मारना। अरे मारने का मतलब है बहिष्कार करना। जनता ही बहिष्कार कर रही है उनका, अपने गांवों में घुसने ना दे रही, पोस्टर लगा दिए लोगों ने। अब क्या रास्ता क्या है? वही बात है, हंड फिर गया। रास्ता वही है, जब तक कानून वापसी नहीं है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं है, सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। पता नहीं प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है कि 40 करोड़ लोगों का गर्दन काट के अपने दो मित्रों को गोद में बैठा रहे हैं। क्या मजबूरी है? कहाँ मजबूरी, तो आपको आधुनिक बनाने की बात कर रहे हैं, आपको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अरे कैसे मजबूत होंगे? एक आदमी के हाथ में सारा अन्न चला जाएगा, उसकी तिजोरी में बंद हो जाएगा, तो देश की 80% जनसंख्या भूखी मर जाएगी। कैसे इससे देश हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे भाई? मतलब हर फील्ड में तो आप निजीकरण अपना सकते हैं, अगर कृषि में आ रहा तो उसमें दिक्कत है। आप है? हर फील्ड में तो आपने निजीकरण को अपनाया है। कहाँ अपना रहे हम, जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जबरदस्ती। भाई हमने कही थी कि रेल बेच दे, देश के किस नागरिक ने कही रेल बेच दे? देश के किस नागरिक ने कही कि आप एयरपोर्ट बेच दो? देश के किस नागरिक ने कही कि आप ONGC बेच दो? देश के किस नागरिक ने कही LIC बेच दो? जब नुकसान में जाएगी तो सरकार तो बेचेगी। क्यों नुकसान में जा रही है? क्यों? कौन जिम्मेदार होगा? देश की गृह मंत्री ने सरकार को बता दिया नाकारा, देश उसने वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि हमारी सरकार नाकारा है। नाकारा? हाँ ऐसा तो नहीं, उसने कहा है कि कंपनी हम नहीं, सरकारी कंपनी हम नहीं चला सकते। जब देश जो सत्ता में बैठे हैं, अगर देश की एक कंपनी नहीं चला सकते तो देश कैसे चलाएंगे? देश भी अमेरिका, देश को बेचोगे? कुछ बचा है? अरे धरा बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अरे किसानों होश में आ जाओ, वरना हम अपनी पे आ गए तो तुम्हारी किडनी भी बेच देंगे। ये है मोदी जी का नारा। देश तो अमेरिका जैसा बनवाना चाहते हो, निजीकरण का विरोध करते हो, ऐसे कैसे होगा? अमेरिका जैसा? किसने कही अमेरिका जैसा बना दो? नहीं चाहते सुपर पावर बने ना, हम ना चाहते इसे। ऐसी सुपर पावर बिल्कुल ना बने कि जिसमें तानाशाह आ जाए, देश की जनता को सड़कों पे आना पड़े। कहाँ तानाशाह, आप कर तो रहे हैं। क्या है सुना? देखिए संसद में उसके 4 मित्र विदा हुए और देश का प्रधानमंत्री ढोंगी आंसू दिखाता जनता को, और देश के 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लगता है हॉट फेविक क्विक से चिपके हैं। हेलो, रोए तो थे वैसे। कैसे नहीं रोए? वो भी एक देश को झांसा देने का तरीका था। हाँ अरे किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं?
चार सांसद विदा हुए उनके लिए रोए, ना कल रोए ना आज रोए ना उससे पहले रोए। अपने मित्र बता रहे थे हम दुश्मन हैं, देश का अन्नदाता उसका दुश्मन है, इसी देश के अन्नदाता ने उसे उस गुद्दी पे बैठाया। लेकिन हरेंद्र जी ये बताइए, एक तारीख की आपकी संसद मार्च तक पैदल जाने की कॉल थी, फिर 6 तारीख को चक्का जाम की बात करी आप लोगों ने, आप तो पीछे हट जाते हैं। चक्का जाम करा नहीं, अब 18 तारीख की फिर कॉल दे रहे हैं आपकी, रेल बंद करेंगे। रेल तो अगर उन्होंने कॉल दिया तो होगी, रेल तो चल ही नहीं रही है। क्यों, रेल कहाँ चल रही है? कुछ जो चल रही है, जो चल रही है, जो नेताओं के लिए चल रही है, राजधानी चल रही है, शताब्दी चल रही है, सुपरफास्ट चल रही है, अरे जनता की तो रेल नहीं चल रही है। पीछे हट जाओगे यूपी में तो फिर? क्यों, यूपी में कौन आ गया? 6 तारीख को हट गए आप लोग। कौन? उत्तराखंड में। अरे यहाँ यहाँ दंगा कराने की साजिश थी, फिर मरवा दे लोगों को। हरियाणा पंजाब में तो हुए नहीं दंगे, यहाँ हो जाते। हाँ, जब ऐसा वो आया, इनपुट आया। अच्छा, तो अगर इनपुट आया तो उसमें कौन सी आपत है? अगर अब इनपुट आया तो आप भी हट जाओगे? ये पता नहीं है, तो वो बताएंगे जिन्होंने कॉल करी है। मैं इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं इसमें सारे फैसले ले सकूँ। शक्तिशाली जो हमारे बड़े नेता है वो बता देंगे, उनसे पूछिए आप, सारे जवाब देंगे। पूछो ना उनसे, क्यों नहीं पूछते, डरते हो? अरे मोदी नहीं है वो, पहले सवाल नहीं देने के आपको, कि तो तुमसे पहले सवाल ले लिए और बस वही पूछना और उन्हीं का जवाब देंगे। जो सवाल पूछोगे हमारे नेताओं से वही जवाब देंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, उनसे ये मत पूछना कि आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो। हरेंद्र जी एक बात बताइए, राकेश टिकैत की अब बॉर्डर पे उपस्थिति ना होना क्या दर्शाती है? मतलब बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पर, पंचायतों में ज्यादा बिजी समय दे रहे हैं। हाँ देखो, पंचायतों में भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम आशा करेंगे कि वहाँ से भी समय निकाल के बॉर्डर पे भी समय दे, उनसे बात भी करेंगे, उन तक मैसेज पहुँचाएंगे कि जनता की मांग है कि कम से कम एक दिन बॉर्डर और एक दिन पंचायत में रख ले। नहीं, खा पंचायत का दबाव बनाना जरूरी है यहाँ बॉर्डर पर लोगों को? सारी तरीके से आंदोलन की हर रणनीति अपनाएंगे हम भी। खा पंचायत भी जरूरी है, आंदोलन भी जरूरी है, यात्राएं भी जरूरी है, सारे काम करने जरूरी, और खेती भी जरूरी है। हम नहीं थकेंगे, सरकार को थका देंगे और दौड़ा दौड़ा के भगा देंगे, अहमदाबाद छोड़ के आएंगे। क्या बात कर दी, केंद्र सरकार को अहमदाबाद छोड़ के आएंगे और योगी बाबा को गोरखपुर छोड़ के आएंगे। ऐसा तो ना, गोरख बाबा को 2022 में जिता दो और फिर 24 में अहमदाबाद वालों को जिता दो। अब नहीं जीतेंगे, बहुत हाल लिए, ये किसान है, यही सरकार बनाता है और यही सरकार से नीचे। आपकी नजर से तो एक ही काम ये गलत हुआ ना, और थोड़ा काम गलत हुआ है। सही तो सब बढ़िया कहे हैं। सही कौन सा करा इन्होंने? 370 हटा। धारा 370 से मुझे क्या मिल रहा? मंदिर बनवा। तुझे क्या मिल रहा? राम मंदिर। राम मंदिर से तुझे क्या मिल रहा? तेरी दुकान खुलवा देंगे, करोड़पति की जागी, वहाँ फूल बेचने वाला भी करोड़ों रुपए दे के बैठेगा। राम मंदिर, राम मंदिर, तो राम मंदिर पे दिए ना? किसने दिया? हमने ना दी राम मंदिर पे, और काहे पे दिए? हम क्यों देते इसे? काहे पे दिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो श्राप भी दे दूँ लोगों को कि अगर जो बीजेपी को श्राप देगा वो वोट देगा मेरे से बहुत चाहवे कि तू तु, तुझे हम चाहवे जो मुझे चाहवे। अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दे दी तो या तो उनका ब्याह नहीं होने का, और ब्याह हो गया तो उनकी लुगाई भग जाएगी। अगर बीजेपी मोदी जी को शराब दे दो, कुछ क्या पता कुछ हो ही जाए। मोदी जी को मैं तो पूरी बीजेपी को दे दिया, उसमें से यो खान निकट के जाएगा, जो भी वही आओगे भग्गी इसकी, तो इस पर बची कहाँ? पर्सनल मामला, वो पर्सनल क्या है, पर्सनल क्या होता देश के अंदर? कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, क्या पर्सनल लाइफ हो? अच्छा तू राजनीति करे तो ठीक है, नोटबंदी में बैंक में माँ को लगा दिया, वो पर्सनल मामला था, सारा मीडिया पूछा दिया। अरे वहाँ भीड़ लग रही है 2-2 किलोमीटर तक, और जिस बैंक में इसकी माँ जा उसमें एक भी आदमी ना भीड़ में, इसकी माँ अकेली गई थी। प्रधानमंत्री की माँ है तो प्रधानमंत्री की माँ अपने दौरे क्यों ना रखता? ऐसी नालायक औलाद देश में पैदा होगी जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी घरवाली का नहीं हुआ, वो देश की जनता का हो जाएगा? देश के तो हैं वो प्रधानमंत्री, सबसे नालायक, सबसे बेकार, सबसे झूठा, सबसे बड़ा झांसा राम देश का प्रधानमंत्री साबित होगा।